हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि परमेश्वर ने मौका दिया है कि उसके जीवित वचन को लेकर मैं आपके सम्मुख आऊं। एक बार फिर से बाइबल लेकर मैं उपस्थित हूँ और एक और महत्वपूर्ण वचन और बाइबल से वो विशेष बातें जो परमेश्वर मुझे बताता है वो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। और आज एक और महत्वपूर्ण विशेष और खास मैसेज मैं लेकर आया हूँ, ध्यान से सुनिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा आखिर तक। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूँ, आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आज के बाद से हमारे चैनल का नाम वर्ड ऑफ ट्रूथ मिनिस्ट्री नहीं बल्कि हकीकत रियलिटी होगा, तो इस पर आप बने रहिएगा मेरे साथ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है तो उसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद हूँ, शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू बोलता हूँ आपको। और अगर आप नए हैं, अगर आप पहली बार मेरे मैसेज को सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस मैसेज को आप शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और मैसेज के बाद अगर आपको ये मैसेज अच्छा लगता है या कोई ऐसी बात आपको पहली बार पता चलती है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कॉमेंट्स बॉक्स में आप जरूर लिखिए, मुझे बताइए कि आप के मन में क्या है, मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा। और अगर आपके मन में बाइबल से उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक कोई भी सवाल, कोई भी प्रश्न, कोई भी क्वेश्चन अगर आपके मन में उठता है तो कमेंट्स में आइए, मुझे बताइए, मैं हर एक सवाल का जवाब देने का पूरा पूरा प्रयास करूंगा। हालेलुया, तो बने रहिएगा मेरे साथ। आज का जो मैसेज है वो मृत्यु से रिलेटेड है। हालेलुया, और हम बाइबल जब पढ़ते हैं तो बाइबल हमें बताती है कि आदम और हव्वा जब अदन की वाटिका में थे तब परमेश्वर ने उनको एक आज्ञा दी थी, और वो आज्ञा है दो अध्याय और उसकी 17 आयत में अगर हम पढ़ें तो वहां इस तरह से लिखा है, परमेश्वर ने आज्ञा दी, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब फलों का, वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। हालेलुया, परमेश्वर की आज्ञा है ये कि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन तू निश्चय मर जाएगा। और हम देखते हैं तीन अध्याय में आकर के इबलीस की जब एंट्री होती है वहां पर, जब शैतान उसमें अदन की वाटिका में एंट्री करता है, वहां पर हवा को बहकाता है, वो कहता है कि तुम निश्चय ना मरोगे, और जब वो हवा को वो फल खिला देता है तो उनकी आंखें खुल जाती हैं। हम सब जानते हैं, जितने भी लोग बाइबल पढ़ते हैं, जो चर्च जाते हैं, ये एक आत्मिक मृत्यु है, आत्मिक मृत्यु। जैसे कि हम देखते हैं संसार में जो लोग आत्मिक नहीं है वो एक तरह से मरे हुए हैं, वो डेड हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा एक जगह यूहन्ना की इंजील में कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। बड़ा काम क्या है? जो लोग मरे हुए हैं उनको जीवित करना है, उनको जो मरे हुए हैं यानी कि चल तो रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं, लेकिन उनके अंदर आत्मा नहीं है, तो उनको हमें जीवित करना है। ये टॉपिक अलग है, इस विषय पर मैं किसी दिन और बातचीत करूंगा, आज मैं आपको बताना चाहता हूं आत्मिक मृत्यु के विषय में। अब आदम और हव्वा ने जब, जो हमारे आदि माता पिता है, उन्होंने क्या किया, जब वो फल खा लिया तो उसी दिन से क्या हो गया, मृत्यु, श्राप, बीमारी, क्लेश, ये सब चीजें हमारे जीवन में आ गई, क्योंकि वो हमारे आदि माता पिता है तो उनके ब्लड के साथ ये चीज आज हमारे अंदर है। लेकिन हमें परमेश्वर ने एक उद्धार करता दिया और ताकि जो उसके ऊपर विश्वास करें वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। शर्त यही है कि हम एक बार अपने गुनाहों को मानने के बाद दोबारा वो गुनाह ना करें। हालेलुया, तो आइए देखते हैं जिस आत्मिक मृत्यु की परिस्थिति क्या है। भजन संहिता 119 से मैं शुरू करूंगा, ध्यान से सुनिएगा, मैसेज बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत विशेष है, ध्यान से सुनिएगा कि परमेश्वर क्या कहता है। तो भजन संहिता 119 और उसका 175 आयत, भजन संहिता 119 और उसकी 175 आयत में इस तरह से लिखा है, मुझे जिला और मैं तेरी स्तुति करूंगा। हालेलुया, ध्यान से सुनिए, मुझे जिला और मैं तेरी स्तुति करूंगा, तेरे नियमों से मेरी सहायता हो,
यह लिखा है कि मुझे जिला यानी कि मुझे जीवित कर, मुझे जिंदा कर। इसका मतलब क्या है? जो बोल रहा है, जो लिखने वाला है, वो कहता है कि मुझे जिला। अगर हम सांसारिक रीति से देखें, अगर कोई मरा हुआ है, कोई डेड बॉडी हमारे पास पड़ी है, क्या वो कह सकती है कि मुझे जीवित करो, मुझे जिलाओ, मेरे अंदर जान डाल दो? ऐसा कह सकती है? नहीं कह सकती। तो यहां पर जो लिखने वाला वो इस चीज को दर्शा रहा है कि मैं आत्मिक रीति से डेड हूं, मैं मरा हुआ हूं। लिखा कि मुझे जिला और मैं तेरी स्तुति करूंगा। यानी कि अगर हम परमेश्वर की स्तुति नहीं कर रहे तो हम मरे हुए हैं, हम डेड हैं। तो परमेश्वर की स्तुति ना करना, इसका मतलब हम मरे हुए हैं। दाऊद यहां पर लिखता है मुझे जिला, मुझे जीवित कर, ताकि मैं तेरी स्तुति कर सकूं। लिखा मुझे जिला और मैं तेरी स्तुति करूंगा, तेरे नियमों से मेरी सहायता हो। एक आत्मिक मृत्यु जब हमारी होती है तब हम परमेश्वर की स्तुति नहीं करते। हम शारीरिक जीवन जी रहे होते हैं तब हम परमेश्वर की स्तुति नहीं करते। हम फिल्मी गाने गाते हैं, हम दूसरे गाने गाते हैं, हम व्यर्थ के कामों में लगे रहते हैं, हमारे मुंह से, हमारी जुबान से दूसरी बातें निकलती हैं, किंतु हम परमेश्वर की स्तुति नहीं करते, क्योंकि हम मरे हुए हैं, हम आत्मिक रीति से मरे हुए हैं। यहां पर यही लिखा है मुझे जिला, मुझे आत्मिक रीति से जिला, ताकि मैं तेरी स्तुति कर सकूं। हालेलुया। और इसी प्रकार से 40, इसकी जो 40 आयत है, वर्स 40, 40वां जो पद है, वो भी इसी प्रकार से कहता है। यहां लिखा है देख मैं तेरे उपदेशों का अभिलाषी हूं, अपने धर्म के कारण मुझे जिला। अभिलाषा तो है लेकिन हम मरे हुए हैं, हम आत्मिक रीति से मरे हुए हैं, इसलिए हम उसके धर्म को जानते ही नहीं। हम अभिलाषा तो है उसके उपदेशों की, सुनना तो चाहते हैं, लेकिन आत्मिक डैड हम मरे हुए हैं, आत्मिक रीति से हम मरे हुए, हम डैड हैं, तो हम कहां से सुनेंगे उपदेश? चर्च जाने का मन ही नहीं करेगा, बाइबल पढ़ने का मन नहीं करेगा, परमेश्वर की आराधना स्तुति करने का मन नहीं करेगा। एक डेड बॉडी की तरह हम चल रहे फिर रहे हैं, लेटे हुए हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन हम परमेश्वर के निकटता में नहीं है। हालेलुया। लूका ग्रंथ पढ़े 20 अध्याय और उसकी 38 आयत, वहां पर देखिए एक बहुत ही अच्छी बात लिखी है। 20 की 38 आयत यहां पर इस तरह से लिखा है, परमेश्वर तो मुर्दों का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है, क्योंकि उसके निकट सब जीवित हैं। हालेलुया। जब हम निकट रहते हैं, एक पेड़ जब एक नदी के किनारे लगा होता है तो उसकी जड़ से क्या होता है, उसकी जड़ से पानी पूरे पेड़ को पहुंचता है और वो हरा भरा रहता है। ये बात बाइबल में लिखी हुई है, वचन संहिता 1 अध्याय में और यर्मिया 17 में। तो जो पेड़ किनारे, पानी के किनारे लगा होगा, वो हरा भरा रहेगा, वो लहलाता रहेगा। हम क्यों मरे होते हैं, हम क्यों डेड होते हैं, हम क्यों आत्मिक रीति से मरे हुए हैं? क्योंकि हम परमेश्वर से दूर हैं। हम परमेश्वर की स्तुति क्यों नहीं करते, हम वचन क्यों नहीं पढ़ते, हम प्रार्थना क्यों नहीं करते, हम चर्च क्यों नहीं जाते? क्योंकि हम आत्मिक रीति से मरे हुए हैं। अगर हम जीवित हैं, अगर हम आत्मिक रीति से जीवित हैं, तो हम चर्च भी जाएंगे, हम वचन भी पढ़ेंगे, हम आराधना स्तुति भी करेंगे, हम प्रार्थना भी करेंगे। हालेलुया। इसलिए वहां पर दाऊद कहता है कि मुझे जिला और मैं तेरी स्तुति करूंगा। यही बात 25 आयत में भी लिखी है कि मैं धूल में पड़ा हूं, तू अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। मैं धूल में पड़ा हूं, धूल मतलब मिट्टी में। सब देशक 12 अध्याय की 7 आयत में लिखा है कि मिट्टी जीव को त्यू मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा जिसे परमेश्वर ने दिया वो परमेश्वर के पास लौट जाएगी। हालेलुया। तो दाऊद यहां पे कहता है कि मैं धूल में पड़ा हूं, तू अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। वचन कौन है? वचन प्रभु यीशु मसीह है। और यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह जीवन है। वो जीवन चाहता है कि मेरे अंदर जीवन आए, मैं चलने फिरने लगूं, मैं चर्च जाने लगूं, मैं आराधना स्तुति करने लगूं, मैं वचन पढ़ने लगूं, मैं प्रार्थना करने लगूं, मैं संगति में बना रखूं। हालेलुया। इसलिए वो कहता है कि मैं धूल में पड़ा हूं, तो अपने वचन के अनुसार मुझे जिला। मेरे दोस्तों, मरा हुआ व्यक्ति ऐसे नहीं कह सकता कि मुझे जिला दो, मुझे जिंदा कर दो। हालेलुया। एक आत्मिक रीति से मरा हुआ व्यक्ति ऐसे कह सकता है कि मुझे आत्मिक रीति से जीवित कर दो। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात देखेंगे, भजन संहिता 119 और इसकी 18 आयत देखेंगे क्या लिखा है।
यानी कि मेरी आंखें खोल दे, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। हालेलुया। मेरे दोस्तों, मुर्दा जो होता है वो देख नहीं सकता, उसके सामने चाहे डांस कर लो, चाहे उसको कुछ भी कह दो, चाहे थप्पड़ मार लो, चाहे गाली दे दो उसको, वो देख ही नहीं रहा, वो कोई रिएक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि वो मरा हुआ है। हम आत्मिक रीति से जब मरे होते हैं, हमारे ऊपर किसी भी पास्टर की बात का कोई असर नहीं पड़ता। हमारे ऊपर हमारे माता पिता का या हमारे बड़ों का या जो परमेश्वर के लोग हैं उनका असर ही नहीं पड़ता। हम कितना मैसेज सुन लें, कितने बाइबल हमें सुना दी जाए, हमारे ऊपर असर ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी आंखें बंद हैं। लिखने वाला यहां यही कहता है कि मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। ये बाइबल अद्भुत बातों से भरी हुई है, हमें दिखती नहीं है, क्योंकि हम आत्मिक रीति से डेड हैं, हम आत्मिक रीति से मरे हुए हैं। इसलिए वो कहता है कि मेरी आंखें खोल दे। हालेलुया। आपको याद होगा शाऊल के बारे में, नए नियम की बात कर रहा हूं मैं, प्रेरितों के काम, उसमें शाऊल है जो क्या करता है, यीशु मसीह के अनुयायी है उनको पकड़ पकड़ कर जेल खाने में डालता है, मारता है उनको और बहुत यातनाएं देता है उनको। लेकिन एक दिन क्या होता है, उसे यीशु मसीह पकड़ लेते हैं दमिश्क की राह पर, और वहां पर क्या होता है, यीशु मसीह उससे कहते हैं, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? और शाऊल उनसे कहता है कि हे प्रभु तू कौन है? तब यीशु मसीह ने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। हालेलुया। आप ध्यान दीजिएगा इस बात पर, मैंने अदन की वाटिका का जिक्र किया था, वहां पर आदम और हव्वा की आत्मिक आंखें बंद हो गई, लेकिन शारीरिक आंखें खुल गई, तब उन्होंने देखा हम नंगे हैं। जब फल खाने के बाद उन्होंने देखा कि हम नंगे हैं, उनकी आत्मिक मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन शाऊल जब यीशु मसीह का दर्शन करता है, तब उसकी शारीरिक आंखें बंद हो जाती हैं और उसकी आत्मिक आंखें खुल जाती हैं, तब वो साफ साफ देखने लगता है और एक बड़ी मिनिस्ट्री को वो अंजाम देता है। हालेलुया। बाइबल में 13 पत्रियां उसकी हैं, इतनी बड़ी मिनिस्ट्री उसने की, 13 पत्रियां, कई कलीसियां स्थापित की जब वो पौलुस बना दिया गया, 13 पत्रियां हैं, अगर इब्रानियों को भी उसमें डाल दें तो 14 पत्रियां हो जाती हैं। तो ये किसका काम है? ये परमेश्वर का काम है, जब वो हमारी आत्मिक आंखों को खोल देता है। यहां पर दाऊद ये कहता है कि मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। शाऊल की आंखें जब खुली, वो पौलुस बना और वो व्यवस्था की अद्भुत बातों को देखने पाया, और पर प्रभु यीशु मसीह के लिए उसने बहुत बड़े बड़े काम किए, और यहां तक कि वो यीशु मसीह के लिए सन 70 में कुर्बान हो गया, जब नीरो राजा ने उसका गला कटवा दिया। हालेलुया। यहां पर लिखा है कि मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकी। जब हम आत्मिक रीति से मरे होते हैं, हमारी आत्मिक आंखें बंद होती हैं। भजन संहिता 51:51 और उसकी 15 आयत में मैं पढ़कर बताऊंगा यहां क्या लिखा है। भजन संहिता 51 और उसकी 15 आयत यहां इस प्रकार से लिखा है, हे प्रभु मेरा मुंह खोल दे तब मैं तेरा गुणानुवाद करूंगा। हालेलुया। हे प्रभु मेरा मुंह खोल दे तब मैं तेरा गुणानुवाद करने पाऊंगा। मतलब क्या है? एक मरा हुआ व्यक्ति कुछ नहीं बोल सकता। अगर कोई डेड बॉडी आपके पास पड़ी है, आप उससे बातचीत करो, वो आपसे कोई भी बातचीत नहीं करेगा, क्योंकि वो मर चुका है। हालेलुया। लेकिन जब आत्मिक रीति से एक व्यक्ति मरा हुआ है, वो कहता है, हम ये भजन संहिता 51 जो है, ये दाऊद का पश्चाताप है। ये वो पश्चाताप है जब वो बत्शेबा के पास गया, उसके साथ उसने व्यभिचार किया, और जब उससे बच्चा पैदा हुआ वो पोलियोग्रस्त था, उसने उपवास भी रखे लेकिन परमेश्वर ने उसके उपवास कबूल नहीं किए और वो बच्चा मर गया। तब उसने पश्चाताप किया। भजन संहिता 51 और वो 15 आयत में आकर कहता है कि हे प्रभु मेरा मुंह खोल दे तब मैं तेरा गुणानुवाद करने पाऊंगा। एक मरा हुआ व्यक्ति परमेश्वर का गुणानुवाद नहीं कर सकता। हालेलुया। यही बात दाऊद ने भजन संहिता 30 में कही है। देखें वहां पर क्या लिखा है, भजन संहिता 30 और उसकी 9 आयत में पढ़कर बताऊंगा। यहां लिखा है, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वो तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? नहीं कर सकती। मरने के बाद हम नहीं कर सकते। मृत्यु, आत्मिक मृत्यु हमारे लिए बहुत खतरनाक है दोस्तों। आत्मिक मृत्यु में जब हम होते हैं, ना हम परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं, ना हम वचन पढ़ सकते हैं, ना हम प्रार्थनाएं कर सकते हैं, ना हम
चर्च जा सकते हैं, ना हम संगति में बने रह सकते हैं। हमारी हमारा संसार ही दूसरा होगा, हम मरे हुए लोगों के साथ अपनी संगति रखेंगे। इसलिए दाऊद यहां पर कहता है कि मेरा हे मेरे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। मरा हुआ व्यक्ति कोई डेड बॉडी पड़ी हो, आप उससे नहीं कह सकते हेलो क्या हाल है, कैसे हो, चलें अब, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वो जवाब ही नहीं देगा, वो बोल ही नहीं सकता कुछ। इसी रीति से, आत्मिक रीति से मरा हुआ व्यक्ति वो परमेश्वर का गुणानुवाद नहीं कर सकता। हम चाहते हैं अगर कि हम गुणानुवाद करें तो हमें आत्मा में जीवित होना है, हमें आत्मा में अपनी आंखों को खोलना है, हमें आत्मा में अपने कानों को, अपनी जुबान को खोल लेना है। हालेलुया, अपने जुबान को खोल लेना है। हमें प्रार्थना करनी है, प्रभु मैं मर चुका हूं, मैं आत्मिक रीति से मर चुका हूं, तू मुझे जीवित कर। प्रभु मेरी आंखें खोल दे, ये बंद हो चुकी हैं, आत्मिक रीति से मुझे मेरी आंखों को खोल दे। प्रभु मैं चाहता हूं कि मैं तेरा गुणानुवाद करूं, मुझे आत्मिक रीति से मेरी जुबान दे ताकि मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूं। हालेलुया। इसी प्रकार से हम देखते हैं इब्रानियों 3:7-4 दोनों में एक ही बात लिखी है। इब्रानियों 3:7-4 यहां पर इस तरह से लिखा है, सो यदि, जैसा पवित्र आत्मा कहता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। 4:7 में लिखा है, सो फिर वह किसी विशेष दिन को ठहराकर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है, जैसे पहले भी कहा कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। क्यों नहीं सुन पाते हैं हम परमेश्वर के शब्द को? क्योंकि हम आत्मिक रीति से मरे हुए हैं, हमारे कानों में कोई बात नहीं जाती। कोई अगर मुर्दा पड़ा है, आप उससे हाय हेलो बोलो तो वो कोई जवाब नहीं देगा, क्योंकि उसको कुछ सुनाई नहीं देता। हालेलुया। आत्मिक रीति से मरा हुआ व्यक्ति परमेश्वर की बातें सुन ही नहीं सकता, परमेश्वर के वचन को सुन ही नहीं सकता, परमेश्वर की आराधना को सुन ही नहीं सकता, परमेश्वर की प्रार्थनाओं को सुन ही नहीं सकता, क्योंकि वो मरा हुआ है। हालेलुया। देखिए यशाया 50:4 में क्या लिखा है। यशाया 50:4 में मैं पढ़कर बताता हूं, लिखा है, प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं, भोर को वह नित्य मुझे जगाता और मेरा कान खोल कर कहता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। हालेलुया। वो मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। कानों को खोलने वाला, आंखों को खोलने वाला, जुबान को खोलने वाला, हमें जीवित करने वाला एक ही है, वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। लिखा है कि वो भोर को मेरा कान खोलता है ताकि मैं शिष्य के समान सुनूं। एक आत्मिक रीति से मरा हुआ व्यक्ति आत्मिक बातों को नहीं समझेगा, उसके कान बंद है, क्योंकि उसकी बात, उसके कानों में संसारिक बातें हैं। थोड़ा सा और आगे चलेंगे, निकालेंगे इब्रानियों 12:12-13 में देखें क्या लिखा है। यहां इस तरह से लिखा है मेरे साथ, अगर आपके पास बाइबल है तो निकाल सकते हैं आप, 12:12-13 लिखा कि इसीलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो और अपने पांव के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक ना जाए पर भला चंगा रहे। 12 में लिखा है, इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो। ढीले हाथ किसके होते हैं? कोई मुर्दा है, उसके हाथों को ऐसे उठाओ, ऐसे गिर जाए, वो ढीले हैं, घुटने भी ढीले हैं। जैसा मर्जी उनको मोड़ दो, कुछ भी कर दो, उनको कुछ भी चुबा दो, इंजेक्शन लगा दो, वो नहीं चिल्लाएंगे। इसलिए लिखा है कि ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो, यानी कि उसमें जान डालो, मांगो प्रभु से, प्रभु मेरे अंदर जो ये आलस है, मेरे अंदर जो ये आत्मिक वृत्ति है, इसे खत्म कर, इसे समाप्त कर, मेरे घुटनों को सीधा कर ताकि मैं खड़ा हो सकूं, मेरे निर्बल हाथों को बलवंत कर ताकि मैं तेरे कामों को कर सकूं, मैं हाथ उठाकर कह सकूं हालेलुया, मैं हाथ उठाकर कह सकूं यीशु के लहू की जय, हालेलुया। ये बातें हमारे जीवन में कब आएंगी? जब हम दाऊद की तरह प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मेरी आंखें खोल दे, प्रभु मुझे जिला, मेरे कानों को खोल दे, और इब्रानियों में जैसे लिखा है कि अपने ढीले हाथों को क्या करें हम, सीधा कर लें।
अपने पांव को, अपने घुटनों को क्या कर रहे हैं, हम सीधा कर रहे हैं। हालेलुया। तो ये एक आत्मिक मृत्यु है जिसके द्वारा हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, एक आत्मिक मृत्यु। हमें इस मृत्यु से छुटकारा चाहिए तो हमें परमेश्वर के पास आना पड़ेगा, हमें परमेश्वर से अपने संबंधों को सुधारना पड़ेगा, हमें परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसाना पड़ेगा, हमें रेगुलर चर्च जाना पड़ेगा, हमें परमेश्वर के आराधना स्तुति में शामिल होना पड़ेगा ताकि हमारी जुबान खुले, हमारी आंखें परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देखें, हम परमेश्वर की वाणी को सुन सकें और हम जीवित रहकर ही परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। क्योंकि दाऊद भजन संहिता 30 अध्याय उसकी 9 आयत में कहता है कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा, क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है। मेरे दोस्तों, एक आत्मिक मृत्यु हमें परमेश्वर से दूर लेकर चली जाती है। जैसे अदन की वाटिका में आदम और हव्वा ने जब आज्ञा का उल्लंघन किया तो पाप उनके जीवन में आया, पाप आने के बाद मृत्यु आई, वो आत्मिक मृत्यु आज हमारे जीवन में भी है। तो इस आत्मिक मृत्यु से बचने के लिए जरूरी है हम दाऊद की तरह प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, मुझे जिला ताकि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। हालेलुया। भजन संहिता 119 और उसकी 75 आयत में, 175 आयत में क्या कहता है लिखने वाला, मुझे जिला और मैं तेरी स्तुति करूंगा, तेरे नियमों से मेरी सहायता हो। हालेलुया। कह रहा मुझे जिला, मुझे जिला और मैं तेरी स्तुति करूंगा। हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, अगर आज हम परमेश्वर की स्तुति नहीं कर रहे हैं, अगर हम चर्च नहीं जा रहे हैं, या हम किसी संगति में नहीं जा रहे हैं, या हम वचन नहीं पढ़ रहे हैं, या हम प्रार्थनाएं नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम आत्मिक रीति से डेड हैं, हम मरे हुए हैं। हमें जिंदा होने की जरूरत है दोस्तों, हमें जिंदा होने की जरूरत है, हमें जीवित होने की जरूरत है, हमें खड़े हो जाने की जरूरत है ताकि हम परमेश्वर से कह सकते हैं, प्रभु मैं तेरा हूं और तू मेरा है। हालेलुया। हम उसके काम कर सके, हालेलुया, उसकी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सके, उसकी स्तुति कर सके, उसकी वाणी को सुन सके और उसके साथ हम दूर तक जा सके। हालेलुया। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि मेरा चैनल है जिसका नाम है हकीकत रियलिटी, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और ये जो वचन है इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में जाइए, कोई बात अगर आज आपने नहीं सीखी है तो उस पर टिप्पणी कीजिए, अगर कोई बात गलत लगी है तो वो भी मुझे बताइए, और कोई बात अच्छी लगी है तो वो भी मुझे बताइए, बातचीत कीजिए मेरे साथ। और बाइबल से कोई भी सवाल अगर आपके मन में आता है, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं पूरा प्रयास करूंगा हर एक सवाल के जवाब देने का। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। हालेलुया।